जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश साफ़साना, खामोश साफ़साना, खामोश साफ़साना। मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं और इनको समय पे देते रहना, और कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वो ये पूछ रही हैं कि सब ठीक तो है। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। शुक्र है कि हार्ट अटैक नहीं है। दवाइयाँ समय पे देते रहना, लेकिन ज़्यादा मेहनत ना करें। एक बात का ध्यान रखें कि ज्यादा मेहनत करना इनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। हाँ सब ठीक है, आप दवाइयां टाइम पे लेते रहना, सब ठीक हो जाएगा। आइए जरा। जी जी जी, मैं भी आता हूं। हुसैन साहब, राघवेंद्र जी का थोड़ा ध्यान रखिएगा और थोड़ा समझा के रखिए। इस उम्र में इतना काम ठीक नहीं, अगर कल को कुछ हो गया तो आगे पीछे घर में कोई नहीं है। दुरुस्त है, दुरुस्त है, लेकिन उनको समझाना कोई आसान काम नहीं है। उन्हें समझाते समझाते मेरे तो बाल पक गए। आखिर उन्हें वही करनी है जो उनकी मर्जी हो। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। कुछ पैसों का इंतजाम करके रखिए। पैसे? वो क्यों? भगवान ना करे कल को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो। जी अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्द मिन्नत कशे दुआ ना हुआ, मैं अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तुम रो रही हो वानी? बाबा ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा ना। डॉक्टर ने और भी कुछ कहा है सिद्धार्थ? वो तुम्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि आज कोई बड़ी बात नहीं हुई, कल को कोई बड़ी बात भी हो सकती। वानी तुम चिंता मत करो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम नहीं जानते बाबा को, मैं जानती हूँ। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। आराम तो उनकी किस्मत में है ही नहीं ना। आराम, खुशियां, ये सब भगवान उनकी किस्मत में लिखना भूल ही गए। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी, लेकिन लेकिन हम अब यही कर सकते हैं ना कि हम बाबा का ख्याल रखें, उनको उनको ज़्यादा मेहनत ना करने दें। ये सब तो हम कर लेंगे, लेकिन उसका जो डॉक्टर ने पैसों का इंतजाम करने के लिए बोला। पैसा? पैसे के लिए क्यों बोला डॉक्टर ने? उन्होंने कहा
कि भगवान का शुक्र है इस बार कोई बड़ी बात नहीं निकली, लेकिन जिस तरह से बाबा मेहनत करते इतनी उम्र में, फूल की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। कुछ भी हो सकता है, क्यों सिद्धार्थ ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ परेशानियां ही लिखी है? वानी वानी फॉर गॉड से, तुम इतनी पॉजिटिव लड़की होने के बाद मेरी समझ में नहीं आता इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकती हो? जिसकी जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव हो रहा हो ना सिद्धार्थ, वो पॉजिटिव बातें नहीं कर सकता। क्या तुम कर सकते हो? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मैं वानी नहीं हूं। जिस वाणी को मैं जानता हूँ ना, वो कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। वो आज तक करती आई है ना, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, तो वो आज हार कैसे मान सकती है? जबकि आज तो उसके बाबा की तबीयत की बात है, उसके उसके पूरे परिवार की बात है, आज हार नहीं मान सकती। बोलो ना वाणी, वो लड़की आज हार नहीं मानेगी, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी। तो इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हो सिद्धार्थ? रॉन्ग क्वेश्चन, तुम अच्छे इंसान हो इसलिए इतनी अच्छी बातें करते हो। अच्छा अच्छा, अब ये आंसू पोछो और अच्छे नहीं लगते तुमको? भैया हम्म, अब जाने वाला है गोयल के पास। हाँ यार, पापा ने कहा तो जाना तो पड़ेगा। भैया गोयल के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, अभी बेचारे ने अपने बेटी की शादी करी है। भैया अगर मार्केट में उसकी बदनामी होगी तो सड़क पे आ जाएगा बेचारा। अर्जुन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत इमोशनल हो, लेकिन पापा ने कहा है कि इमोशन से बिजनेस नहीं चलता। अरे ऐसे तो हमारे किसी ना किसी क्लाइंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। आई नो भैया, पर भैया अगर एक क्लाइंट का पैसा 3 महीने बाद आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्जुन, लेकिन पापा ने कहा है मैं जाऊंगा और उससे पैसे भी मांगूंगा। मैं पापा की बात को टाल नहीं सकता। भैया भैया मैंने गोयल को जबान दी है कि उसको 3 महीने की मोहलत मिल जाएगी। ओह तो ये बात है, ये तो मेरे भाई की जबान की बात हो गई, अब तो कुछ करना पड़ेगा। भैया पापा से बात करो ना। भैया आप पापा से बात करोगे पापा मान जाएंगे। अरे भैया आप बात करके देखो ना, एक बार बात तो करो ना। अर्जुन मैं पापा से बात नहीं कर सकता, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता यार, लेकिन कुछ और सोच सकते हैं ना। मतलब अच्छा एक बात बता, तुझे पक्का यकीन है कि गोयल तुझे पैसा दे देगा? हाँ भैया 100%, 3 महीने में दे देगा। पक्का? हाँ तो डन, 3 महीने के लिए मैं अपने अकाउंट से पैसा दे देता हूँ। आप? हाँ नहीं, आप भैया आप क्यों पैसा दोगे? नहीं यार, वो पैसा देगा मेरे अकाउंट में आ जाएंगे बस। नहीं भैया आप पैसा नहीं दोगे, भैया आप ये रिस्क नहीं लोगे, नहीं लोगे। अच्छा ये तो रिस्क ले सकता हूँ, और 20 लाख के लिए मैं अपने भाई की जबान को झूठा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। इसलिए एक्सरसाइज कर, मौज मार, चल। भैया भैया बोल ना। सुनो तो। हाँ भैया आई लव यू, यू आर सच अ डार्लिंग। ये लव यू और डार्लिंग ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा के रख, ठीक है? चल अब जल्दी एक्सरसाइज कर, ऑफिस भी जाना है। भैया अपनी गर्लफ्रेंड की यार। अरे धीरे बोलो, सुन लेगी यार। क्या करता है भैया? हाँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया गाड़ी देखी है। अच्छा गाड़ी है भैया, उसमें बैठ के ऑफिस जाओगे ना, कमाल लगोगे भैया। भैया गाड़ी ले लो। नहीं अर्जुन अभी नहीं यार, अभी फाइनेंस का फ्लो बहुत कम है बिजनेस में, और फिर 20 लाख रुपए भी तो देने हैं ना। भाई मेरी वजह से आपके 20 लाख रुपए चले जाएंगे। अर्जुन अगर दोबारा तूने ये बात बोली ना तो जोर से मारूंगा। अरे यार
ले लूंगा थोड़ा रुक के। हाँ चल अब जल्दी से एक्सरसाइज कर ले, फिर ऑफिस भी चलना है। ओके। जो लड़का 20 रुपए का काम नहीं करता उसकी जुबान की कीमत 20 लाख? नो। अरे वाह, चाय पीने का बहुत मन था और तुम चाय लेकर आई हो, वाह वाह वाह। डॉक्टर, डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर ने कहा कि राघव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बस उसका ख्याल अच्छी तरह से रखना चाहिए और परिवार में तुमसे अच्छा ये काम कौन कर सकता है। और हाँ, वक्त से दवाइयां भी देनी चाहिए, बस। ओ डॉक्टर, जाते वक्त क्या कह रहे थे? कुछ कुछ खास नहीं। मैं परेशान क्यों नहीं हूँ? मेरा दोस्त जो बिस्तर पर बीमार पड़ा है। हाँ न, 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 मैं बात को टाल नहीं रहा हूँ, नहीं टाल रहा मैं। वाणी तो परेशान ही रहती है हमेशा। मैं कुछ तुमसे छुपा नहीं रहा हूँ। हाँ खुदा के वस्त ऐसा मत करना, हाथ मत जोड़ना। हाँ तुम अपने मियाँ को लेकर इतनी परेशान थी, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाह रहा था, बस। तुम ये जानना चाहते हो कि डॉक्टर ने जाते वक्त क्या कहा? तो सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। नहीं, ऐसा खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन शायद आगे। हिम्मत रखो, तुम हिम्मत रखो। देखो देखो, पैसा आएगा, पैसा आएगा। तुम अगर हिम्मत हार गई ना तो इस परिवार को कौन बचा सकता है? तुम ये जानना चाहते हो कि तुम इस परिवार के लिए क्या कर सकते? तुम सब कुछ कर सकते हो उस परिवार के लिए। हाँ, उस सामने बड़ा सा पेड़ नहीं आंगन में, वो सामने देखो देखो देखो, बहुत सामने कितनी मजबूती के साथ खड़ा है वो। तुम जानती हो कि किसके सहारे वो इतनी मजबूती से खड़ा है? तुम जानती हो? जड़ों के सहारे, जड़ों के सहारे। हाँ, तो अगर ये परिवार एक पेड़ है तो तुम उस पेड़ की जड़े हो, और जड़े चाहे देखने में कितनी भी कमजोर लगती हो, लेकिन पूरी मजबूती के साथ वो पेड़ को थामे। और तुम भी उसी तरह से इस परिवार को संभाल रहे हो, थाम रहे हो। पैसा आएगा, जरूर आएगा। देखो ऊपर वाला जब मुसीबत देता है ना, तो साथ में मुसीबत का हल भी देता है। हाँ, बस ऊपर वाले पर यकीन रखो, भरोसा रखो। हाँ, तुम्हारी बातों के चक्कर में ना चाय ठंडी हो गई। मुझे गरम गरम चाय पिलाओ ना, तो साथ में कुछ समोसे पकौड़े भी। हाँ, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। तुम
क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? वो तो आपकी बीमारी के साथ चली गई। नहीं नहीं बाबा, मैं आप दोनों के बीच में नहीं पढ़ने वाला, आप खुद ही सुलझाइए इसे। मैं तो डॉक्टर साहब कितना नाराज हो रहे थे, तो भगवान का शुक्र है आप ठीक हो। दादू साहब, उनके आशीर्वाद की वजह से सब ठीक हुआ है ना? बिजनेस और इमोशंस एक साथ नहीं चलते। अगर बेटा लोगों की मुश्किलों को देखोगे ना, तो अपना बिजनेस ठप करके रख लोगे। हमारा पहला कंसर्न सिर्फ हमारा अपना बिजनेस, बस और कुछ। बट डैड, सॉरी बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। डैड, अगर ऐसा है तो फिर हर साल हमारी कंपनी से इस चैरिटी के नाम पे इतने चेक क्यों पास होते हैं, और ये सोशल सर्विस कैंपेन हम ये सब क्यों करते हैं? डैड, अगर बिजनेस में इमोशन नाम की चीज ही नहीं है, फिर ये दान धर्म क्यों? राजीव, अरे समझाओ इसे। बिजनेस के मामले में तो ये एकदम जीरो है। कम ऑन, टेल हिम। देखो अर्जुन, इनफैक्ट डोनेशन देने के कई फायदे हैं। इससे बहुत से गरीबों को फायदा तो होता ही है, साथ ही टैक्स भी बचता है। मतलब भैया, डोनेशन जो है हम अपने फायदे के लिए देते हैं, तो फिर ये दान धर्म ये सब दिखावा है, ये सब झूठ है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा राजीव। दरअसल इसने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को कभी फेस ही नहीं किया। बेटा, कभी कभी अच्छाई के चक्कर में ना इंसान अपना सब कुछ गवा देता है, लेकिन तुम्हें कड़वी सच्चाई नहीं मालूम। ये जो सब कुछ तुम देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं होता अगर मैंने अपना खून पसीना ना बहाया होता। कड़वी सच्चाई? अब किस कड़वी सच्चाई की बात कर रहे हैं डैड? सुनना चाहते हो तो सुनो, शायद तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। तब मैं बहुत छोटा था, तुम्हारे दादाजी नारायण मिल्स के मालिक हरि नारायण जी के साथ बिजनेस करते थे। उनमें काफी दोस्ती थी, और शायद इसी वजह से उन्होंने बिजनेस में कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी। जानते हो सिद्धार्थ, हमारे दादू साहब ठाकुर हरि नारायण सिंह, लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे उन पर। उन्होंने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने हमें पैसा देने से मना कर दिया। उन्होंने कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा। रकम काफी बड़ी थी, पिताजी ने मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाए। हर बार उनके भाई रूप नारायण जी उनसे कहते कि हरि नारायण जी पिताजी से नहीं मिलना चाहते, और उनकी कोई रकम निकलती भी नहीं है। लेकिन उनके बीमार पड़ते ही उनका सब कुछ छिन गया, दौलत शोहरत, यहां तक कि उनका नाम भी। पिताजी भी क्या करते, लिखित में तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं कर पाए। दिनों दिन कर्जों में डूबते चले गए, और एक दिन हम सड़क पर आ गए। लेकिन बापू साहब, इतना सब हो जाने के बाद भी इन्होंने सब कुछ संभाला, बेकरी में नौकरी की, फैक्ट्री बिक गई, घर भी हाथ से निकल गया, और उसके बाद पिताजी कभी नहीं उठ पाए। मैंने अपने खून पसीने की कमाई से ये बिजनेस दोबारा शुरू किया। पर डैड, अगर दादाजी और हरि नारायण जी ने एक साथ इतने साल तक काम किया, और वो दोनों इतने अच्छे दोस्त भी थे, तो अचानक उन दोनों के बीच में क्या हो गया? हो सकता है कि कोई और बात हो। क्या बात हो सकती है?
बेईमानी आ गई थी मन में और क्या। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ज्यादा जी नहीं पाए वो, बुला लिया भगवान ने अपने पास। What? एक तो वैसे ही वो अपनी सुध-बुध खो बैठे थे और भाई के धोखे ने उनकी सांसें भी छीन ली। आज नारायण मिल्स हरि नारायण का भाई रूप नारायण संभालता है, लेकिन मुझे आज भी मलाल है कि मैं अपना पैसा नहीं निकलवा पाया। नारायण मिल्स तो हमारे हाथों से निकल गए, लेकिन दादू साह के अच्छे कर्मों का फल है जो आज हम लोग सुखी हैं। ठाकुर नारायण सिंह जी एक हाथ से दान देते थे और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता था। जानते हो सिद्धार्थ, आज भी लोग उनकी कस्में खाते हैं। भगवान ना करे उस झूठे और मक्कार आदमी के परिवार का कोई भी सदस्य मेरे सामने आए, उन्हें याद करता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। इस जन्म में तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। सिक्का तो एक ही होता है हमेशा, इधर से देखने पर कुछ और दिखता है, उधर से कुछ और। दोनों घरों में मौजूद दो लोग सिक्के को अलग अलग तरफ से देख रहे थे। दोनों सही थे अपनी जगह, मगर सच हवेली के किसी कोने में बैठा सही वक्त का इंतजार कर रहा था। ये तय था कि वो सामने आएगा, मगर तब तक इस कहानी को ऐसे ही भटकना होगा सच और झूठ के बीच।